अधीर रुक कर दे दिन भर की बड़ी खबरों की तरफ। पीएम मोदी दुबई में आयोजित COP28 समिट में हिस्सा लेने के बाद भारत लौटे। दिल्ली के सैनिक फार्म में दिखा तेंदुआ, फॉरेस्ट टीम मौके पर पहुंची। दिल्ली शराब घोटाला केस में ईडी ने संजय सिंह के खिलाफ दायर की चार्जशीट। दिल्ली के तिहाड़ जेल में फर्जी तरीके से भर्ती हुए 50 कर्मचारियों को निलंबित किया गया। दिल्ली में खराब मौसम के कारण 18 उड़ानों को जयपुर, लखनऊ, अहमदाबाद किया गया डाइवर्ट। कर्नाटक में हेलमेट न पहनने पर वकील के साथ बेरहमी से मारपीट के आरोप में 6 पुलिसकर्मी हुए सस्पेंड। आरक्षण मामले में पटना हाई कोर्ट का निर्देश, पीआईएल पर जवाबी हलफनामा दायर करे बिहार सरकार। मध्य प्रदेश के कैलाश विजयवर्गीय का बयान, सीएम कौन बनेगा ये दिल्ली में हाईकमान तय करेगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने खारिज की राजा भैया की पत्नी भानवी सिंह की याचिका। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में आईईडी ब्लास्ट, सीआरपीएफ के 195 बटालियन के 2 जवान हुए घायल। छत्तीसगढ़ के पीएम भूपेश बघेल ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, ऑनलाइन बेटिंग एप्स पर बैन की मांग की। गाजियाबाद में स्कूटी सीख रही युवती को ऑटो में खींचा सुनसान जगह ले जाकर किया गैंगरेप। गौहर अली खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नए अध्यक्ष चुने गए, ली इमरान खान की जगह। लद्दाख में महसूस किए गए भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर तीव्रता 3.4 रही। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, ऐसे खबरों के लिए जुड़े रहें न्यूज़ इंडिया से।